हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और आज के लेक्चर में अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट जो है वो कवर करने वाले। तो लास्ट लेक्चर तक हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिटेल में स्टडी करके और उसके ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लिए थे कि कैसे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर वो डायरेक्टली एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तभी हम उस चीज से, उस वर्किंग रूल से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। उन प्रॉब्लम्स मैंने जितने भी यहाँ पे लिखे थे बाय मिस्टेक, उनमें से एक आध दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम घुस गया था। तो अगर ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का प्रॉब्लम कोई भी आपको मिल जाता है लास्ट लेक्चर में जितने भी सवाल दिए थे उनमें से, तो उसको आप रख दीजिएगा। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, आज का लेक्चर देखने के बाद वो क्लियर हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा उसमें, आप आराम से कर पाओगे। फिर भी अगर डाउट रहता है तो अकॉर्डिंगली पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला आज अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है, और इसको पढ़ने के बाद हमारा यूनिट वन का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज यूनिट वन में टोटली मैं मानता हूँ दो सेगमेंट है। ठीक है, एक है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो एग्जैक्ट है, और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री है। ठीक है, तो उसका यूनिट वन का 50% पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है आज के लेक्चर खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त, अगर मैं बात करूं कि लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखे थे, लास्ट लेक्चर तक हमने ये सीख गए थे कि MdX प्लस MdY बराबर जीरो, इस टाइप के किसी भी इक्वेशन को मैं एग्जैक्ट कब बोल सकता हूं, जब डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। ये उसका कंडीशन था, और मेन बेसिक कंसेप्ट क्या था कि अगर उस एक्सप्रेशन को अगर मैं एक एग्जैक्ट या फिर परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाऊँ, दैट इज डी ऑफ समथिंग में अगर एक्सप्रेस कर पाऊँ, तभी वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, इक्वेशन होगा। तो और उसके ऊपर बेस करके जो हमारा वर्किंग रूल था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी वाई एम डी एक्स टेकन वाई इज अ कॉन्स्टेंट एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन नॉट कंटेनिंग इन एक्स इंटू डी वाई बराबर जीरो कॉन्स्टेंट था, ये हमारा सॉल्यूशन था। अभी मैं उन इक्वेशंस का बात कर रहा हूँ जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में तो है या फिर कन्वर्ट किया जा सकता है, बट उस जगह पे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स का कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। अगर उस जगह पे वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो उस जगह पर कुछ ना कुछ ऐसा किसी ना किसी फैक्टर से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देने से वो इक्वेशन में जो नया एम और नया एन जनरेट होता है वो उसको एग्जैक्ट बना देता है, जो हमने लास्ट क्लास में आखिरी एग्जाम्पल तो देखे थे और इस जगह तक हमने बातचीत कर लिए थे आखिरी लेक्चर में। तो ये जो फैक्टर है जिससे हम एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बोथ साइड एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उस इक्वेशन को दोस्त उस फैक्टर को उस फैक्टर को उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा फटाफट। इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट बट इट बिकम्स एग्जैक्ट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय ए फैक्टर, देन द फैक्टर इज कॉल्ड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है? मतलब एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। देखेंगे एक आध एग्जाम्पल, लास्ट क्लास में भी मैंने दिखाया था और अभी भी दिखा देंगे ऑफिशियली। तो उस फैक्टर को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक 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 डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिख करके रखा, देखो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बराबर जीरो। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसानी से आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। बट मैं समझाने के लिए, अगर एग्जाम में आया तो शायद मैं भी इसको वेरिएबल डी वाई बाई वाई बराबर डी एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे आसान आंसर। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता, बट अभी मैं आपको समझाने के लिए बस इस चीज को यूज करने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं अगर बोलूं कि सर ये तो एग्जैक्ट का फॉर्मेट में मेरे को लग रहा है, फॉर्मेट मतलब कौन सा फॉर्मेट, वो वाला फॉर्मेट एम डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई बराबर जीरो। ठीक है, समझ में आया? ये क्या है आपका एम है और ये क्या है आपका, ये है आपका एन। अगर मैं यहां पे आपको बोलूं कि भाई डेल एम बाई डेल वाई, चेक करो डेल एम बाई डेल वाई कितना होगा, वन होगा, क्लियर। और डेल एन बाई डेल एक्स चेक करो वो कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। क्या दोनों इक्वल आ रहा है? दोनों नॉट इक्वल है। अगर दोनों नॉट इक्वल है तो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है दोस्त? नहीं, नहीं है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आया। आपने थ्योरम में प्रूव किया गया अगर इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होता है तो ये कंडीशन इक्वल होना ही पड़ेगा।
बट ऐसे यहाँ पे नहीं हो रहा है तो ये एग्जैक्ट नहीं है। अभी एक मैजिक देखो यहाँ पे, अगर मैं बोथ साइड 1/y² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को, अगर मैं बोथ साइड 1/y² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो कहानी में क्या आएगा? 1/y (dx) प्लस माइनस ऑफ एक्स अपॉन y² (dy) बराबर जीरो। ये वापस उसी फॉर्मेट में चला गया, mdx प्लस ndy बराबर जीरो का फॉर्मेट में चला गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? m डैश, और ये मान लीजिए n डैश, मतलब नया m और नया n आप बोल सकते हो। अभी आप इस जगह पे ये कंडीशन लगाओ तो m को डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, कितना आएगा? ऑब्वियसली जो ऑर्डिनरी, यहाँ पे x का तो कोई टर्म है ही नहीं, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही हो जाएगा, -1/y² आ जाएगा। क्लियर है? और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ सेम चीज, दैट इज इस चीज को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कहानी किस तरीके से चेंज होगा? देखो दोस्त, यहाँ पे कहानी किस तरीके से चेंज होगा उस चीज को एक बार फटाफट से देखो जरा ध्यान से। डेल एम बाई डेल वाई डिवाइडेड बाई एम फंक्शन ऑफ y e टू दी पावर एफ वाई डी वाई एल एन वाई वाई ट्वाइस वाई, नहीं 1/y² तो नहीं होगा यार, यहाँ पे 1/y² क्यों लिखा हुआ है? 1/y² से मल्टीप्लाई करने से कहाँ बन रहा है? इसको अगर x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये तो हाँ हाँ सही है सही है। डेल एन बाई डेल एन डैश बाई डेल वाई जो होगा वो कितना आ जाएगा? -1/y² तो कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा तो वो बाहर चला जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों चीज इक्वल आ गया दोस्त? बिल्कुल ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब अभी ये क्या बन गया? एग्जैक्ट बन गया। तो अभी अगर ये एग्जैक्ट बन गया तो इसको एग्जैक्ट का फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लोगे, और एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या है? एम डैश, क्योंकि यहाँ पे एम आएगा, इनटू डीएक्स टेकन वाई कांस्टेंट प्लस टर्म्स इन एन डैश नॉट कंटेनिंग एक्स इनटू डीवाई बराबर कांस्टेंट। इसको सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे m और n मत लिख देना क्योंकि आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किए इसको एग्जैक्ट बनाया, ये एग्जैक्ट नहीं था, ये m और n पे ये एग्जैक्ट नहीं था, इस m डैश और n डैश के लिए ये एग्जैक्ट बना। तो यहाँ पे m के जगह पे m डैश आएगा और यहाँ पे भी n के जगह पे n डैश आएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? तो देखिए ना, आप एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बन चुका है। क्लियर है? बात समझ में आया? तो यहाँ से आपको पूरा पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फील आ गया होगा दोस्त। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि दिस व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 1/y² इट बिकम्स एग्जैक्ट। सो 1/y² इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना? अभी यहां पे जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1/y² से ही मैं मल्टीप्लाई करूं, यहां पे ऐसा कोई नेसेसरी तो नहीं है ना दोस्त कि मैं सिर्फ मान लीजिए -2/y अभी एक चीज देखो आप, है ना, अभी एक चीज देखो कि जरूरी नहीं कि सिर्फ 1/y² से मल्टीप्लाई करने से ही ये एग्जैक्ट बनेगा, है ना? ऐसा कोई दूसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी एग्जिस्ट कर सकता है जिससे मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूं और ये एग्जैक्ट बन जाए। समझ में आ रहा है? उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ये नोट आपको लिखा गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस पॉसेसेस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जरूरी नहीं है कि एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है। बोले सर कैसे? कि 1/y² से मल्टीप्लाई क्यों करे? कोई आके बोल दे मैं 2/2y³ से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर कोई आके बोल दे कि मतलब ऐसा कोई एक्सप्रेशन बना के दे दो ना जो सिंप्लीफाई होकर के 1/y² आ रहा है, सिंपल सी बात है ना, ऐसे भी तो दे सकते हो, तो भी तो ये 1/y² में जाएगा। समझ में आया ना? तो इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यूनिक नहीं है, वो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी उसका हो सकता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क का पॉइंट आपको पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको। इसका प्रूफ भी आता है बट एज मेरे ख्याल से वो आपके साथ रिलेटेड नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है, शायद मेरे को लगता नहीं एग्जाम में आएगा इसीलिए मैंने बताया नहीं, ठीक है? अगर आप जानना चाहते हो तो जरूर मेरे को पूछ सकते हो, मैं अकॉर्डिंगली बता दूंगा, उसमें कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? ईजी है, चलो। बट अभी जो चीज समझना है ना आपको, वो बड़ा क्रिटिकल चीज है, क्रिटिकल मतलब टफ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है।
वो चीज़ क्या है कि सर आप मेरे को बोलोगे कि आप उस दिन भी मेरे साथ गेम खेले, आज भी गेम खेले, उस दिन भी मेरे को मैजिक बोल के बता दिए कि 1/y² आया और आज भी मैजिक बोल के 1/y² दे रहे हो। जरूरी थोड़ी ना कि ये मैजिक होगा। यहाँ पे आप मेरे को लेक्चर में बता रहे हो, घर पे मेरे को कौन बोलेगा, एग्जाम में मेरे को कौन बोलेगा कि ये मैजिक कहाँ से आया। तो ये मैजिक आप खुद ही निकाल सकते हो और उसी के लिए ही तो हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना दोस्त, नहीं तो आगे पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, यहीं पर ख़त्म होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता। तो अभी आपका जो जॉब है वो ये है कि सर ये तो समझ गया कि 1/y² जैसा एक नहीं इनफाइनाइट फैक्टर होगा जो इस नॉन एग्जैक्ट को जिससे इस नॉन एग्जैक्ट को मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक एग्जैक्ट बन जाएगा एंड देन उसका वर्किंग लोड लगा के हम उसको सॉल्व कर देंगे। ये तो सर समझ गया। अभी आप मेरे को ये सोचो, ये समझाओ कि सर आपने ये 1/y² सोचे कैसे। आपने मैंने जितना भी आपने समझाया सर अभी तक सब क्लियर है बोला, सिर्फ एक ही बात क्लियर नहीं है कि 1/y² को आपने सोचे कैसे, वो बता दो तो कहानी हो जाएगा। तो मैं बाकी आगे सब कुछ संभाल लूंगा सर, एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो बताते। तो उस चीज को ना पकड़ने के लिए हमें कुछ रूल्स को यहां पे समझने पड़ेंगे, डीपली समझने पड़ेंगे, उनका प्रूफ्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है कि वो आया कैसे। ठीक है जिसने भी उसको प्रूफ किया, मैंने तो किया नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ट्रेन करता हूँ लोगों का माइंड को, समझ में आ रहा है ना, मैं ट्रेन करता हूँ उनका माइंड को ताकि वो उस तरीके से सोच पाए, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो मैं ट्रेनर हूँ, मैथमेटिशियन तो हूँ ही ऑब्वियसली फर्स्ट, उसके बाद मैं ट्रेनर हूँ, बट एज सच मैंने कुछ निकाला नहीं तो आप मेरे को मैथमेटिशियन नहीं बोल सकते हो, रेदर आप मेरे को मैथमेटिक्स टीचर या मेंटर या ट्रेनर बोलो तो बेटर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर 1/y² को निकाले कैसे, तो उसके लिए कुछ रूल समझने पड़ेंगे। अगर वो रूल लग जाता है तो लग गया, नहीं लग जाता है तो आखिर में एक रूल बताएंगे इंस्पेक्शन बोल के, उसके थ्रू सोचना पड़ेगा और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता है क्योंकि बाकी सारे तो बना बनाए ख्याली पुलाव दिख रहा है ना, एकदम बना बनाए फॉर्मेट दिख जाता है, बड़ा आसान है। पहले चारों के चार रूल, टोटल 6 रूल एग्जिस्ट करता है, लास्ट वाला रूल तो कोई भी नहीं पढ़ाता है, खैर सिलेबस में जरूरत भी नहीं है, रिमेनिंग 5 सभी पढ़ाते, मैं भी पढ़ाऊंगा, सिंपल सी बात है, सिलेबस में उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, आखिरी वाला नहीं चाहिए, सिलेबस में आपका उतना ही है, 5 ही है। अगर आप ऑनर्स का होते तो ज़रूर आपको बताया जाता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फिर ITJM वगैरह की तैयारी करते तो शायद आपको ज़रूरत होता, बट एज सच अभी यहाँ पे कोई खास ज़रूरत नहीं है। जब तक सवाल आज तक 15 साल में आया नहीं तो हम क्यों पढ़ाए, आएगा तो कभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है अननेसेसरी बटन दे के तो फ़ायदा नहीं ना, ऐसा आपका पास पेपर है। मेरा कहने का मतलब है कि 4 रूल तो बना बनाया है, बहुत आसानी से आप लोग समझ जाओगे और कर भी लोगे। 5th जो रूल है ना उसमें बच्चे लोग स्ट्रगल करते हैं थोड़ा, उसमें स्ट्रगल हो जाता है उनका, उसमें क्या हो जाता है कहानी, वो पकड़ नहीं पाते अच्छे से, वो उतना अच्छे से चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, ये उनका प्रॉब्लम हो जाता है। तो 5th रूल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आ जाता है उनके सामने। ठीक है क्योंकि इंस्पेक्शन जो है ना वो एकदम से दिमाग लगा करके खुद से सोचना पड़ता है कर करके। ITJ के प्रिपरेशन में जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा देते ना 12th में, तो हम इतना कुछ थोड़ी ना पढ़ाते, हम वो बस इंस्पेक्शन वाला पार्ट ही सिखाते ताकि बच्चे अकॉर्डिंगली दिमाग लगा के सोच पाए। इतना कुछ अगर पढ़ा देंगे तो बोलेगा IT का सिलेबस इतना ज़्यादा है क्या सर, पागल नहीं हो जाएगा वो। ठीक है तो वही चीज़ है, तो इंस्पेक्शन को ध्यान से समझिएगा, खैर वो आखिरी में आएगा बताएंगे अपन, 5th रूल होगा। पहले इजी रूल्स को समझ जाते हैं, उनका प्रूफ्स को भी समझ जाते हैं अकॉर्डिंगली। तो ध्यान से देखो दोस्त, मैं बोल रहा हूँ कि रूल नंबर 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका, ध्यान से देखना कि भाई रूल 1 में ये बताया जा रहा है कि अगर MdX + ndy = 0 नॉन एग्जैक्ट है। सर नॉन एग्जैक्ट, अरे भाई अगर नॉन एग्जैक्ट है तभी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बातचीत करोगे, एग्जैक्ट है तो ये सब पर क्यों रहे हो आप, समझ में आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उसके साथ साथ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर fx के इक्वल होता है, क्या बोला, और उसके साथ साथ इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर fx के इक्वल होता है जहां पे fx में कोई y नहीं होना चाहिए, मतलब fx इज ए फंक्शन ऑफ x अलोन, तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx।
जैसे आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते थे ना, उधर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था वो वही था, उधर भी फीलिंग एग्जैक्टली वही था, तरीके से देखा जाए तो एग्जैक्ट पढ़ने के बाद लीनियर आता है। समझो मेरी बात को, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के बाद लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते थे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, वो वही कहानी है दोस्त, वो वही कहानी है। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर एफ एक्स आ जाता है, बोले सर ये एक्सप्रेशन कहां से निकालेंगे, अभी एम एन पता चलेगा ना तेरे को, क्वेश्चन में तो दिया हुआ रहेगा, तो इसको सॉल्व करके अगर एफ एक्स आ जाता है जहां पे एफ एक्स एक फंक्शन होगा एक्स का एलोन, उसमें कोई वाई नहीं रहना चाहिए, तब मैं बोलूंगा कि ये रोल सेटिस्फाई हो गया, है ना। अगर ये नॉन एग्जैक्ट है, दैट इज अगर डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स अनइक्वल आ गया, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ गया जहां पे एफ एक्स एक फंक्शन ऑफ एक्स अलोन है, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब रूल वाल सेटिस्फाई हो गया, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करते, चलिए सोचते अकॉर्डिंगली इसको प्रूफ कैसे करते। ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं सबसे पहले कि ये एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑब्वियसली इज नॉट एग्जैक्ट मान लेते हैं, या फिर लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो अगर ये नॉन एग्जैक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल के दिया है, पॉइंट में बोल के दिया है कि ये नॉन एग्जैक्ट है, अगर ये नॉन एग्जैक्ट है तो ऑब्वियसली डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा, अनइक्वल होंगे, ऑब्वियसली होंगे ना अनइक्वल। अभी देखो इस कंडीशन को आप लैट कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, अगर इसको प्रूफ करना है ना तो इसको आपने एज्यूम किए, मान लिए इसका वैल्यू एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, देन वही तो आपको प्रूफ करना है ना कि ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स विल बी एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन। तो अगर मेरे को प्रूफ करना है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन का एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वही तो प्रूफ करना है ना, वही तो प्रूफ करना है, और तो कुछ प्रूफ भी नहीं करना है। क्या प्रूफ करना है, कि अगर ये नॉन एग्जैक्ट है, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, उसके साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, दैट इज ये अगर सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये चीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, और ये चीज इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उसका मतलब ही क्या, कि इस चीज से अगर मैं इक्वेशन वन को दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, है ना, मैंने इक्वेशन वन पे दोनों साइड e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा नया m हो जाएगा जिसको हमने m1 बोल दिया, और ये वाले पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नया n हो जाएगा, दैट इज n1 हो जाएगा। यहां पे जो आया था ना ये वाला m डैश और ये n डैश, वही m1 और n1 से लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो अगर भाई ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो डेल m1 बाई डेल y और डेल n1 बाई डेल x ये दोनों इक्वल भी तो होंगे। तो चलो स्टार्ट कर दिया हमने डेल m1 बाई डेल y निकालना, है ना, डेल m1 बाई डेल y अगर निकालते तो ये क्या आ जाएगा, देखो डेल डेल y ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटू m। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, इसको यहाँ पे तो लिखा गया है, जरा सॉल्व करके दिखा रहे। सॉल्व करके दिखा रहे, ये सॉल्व वाला पार्ट आप ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करो। डेल डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटू एम। अब मेरे को एक बात बताओ, एफ एक्स जो है वो क्या है, वो फंक्शन ऑफ एक्स अलोन है, तो ये वाला पार्ट जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स वो तो कंप्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा ना, तो ये ई टू द पावर समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो ये पूरा तो एक्स का पार्ट ही होगा ना, ये तो पूरा तो एक्स के टर्म में ही रहेगा। तो अगर वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये क्या हो गया, ये पूरा बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो, और यहाँ पे अगर मैं इसका बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, उसका अगर मैं बात करूँ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इंटू एन, ठीक है, इसका अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो
तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा? अभी देखो ये तो पूरा पूरा x का फंक्शन है और n पे x और y दोनों है. दिस इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ x अलोन. ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों दोनों पे x प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली मैं किसी भी एक को तो बाहर लेके नहीं आ सकता ना, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं हो पाएगा. तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. तो अगर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो पहली बार इसको कॉन्स्टेंट रखते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं और n को पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. और अगली बार क्या करेंगे, n को कांस्टेंट रख देते हैं और इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो इसको जब भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e टू द पावर दैट थिंग. e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन तो वही होता है ना, e पावर ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन तो e पावर ए एक्स प्लस बी ही होता है. साथ में और कुछ आता है चेन रूल की वजह से? साथ में क्या आता है? साथ में आएगा डेल डेल एक्स ऑफ, साथ में डेरिवेटिव ऑफ द पावर आएगा ना, कंटिन्यूएशन में चलेगा. ठीक है, e टू द पावर बॉक्स का डेरिवेटिव, e टू द पावर बॉक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ बॉक्स. तो डेल डेल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ये साथ में चलेगा. और आप बहुत अच्छे से जानते हो भाई कि डेल डेल एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स अगर है तो डेल और इंटीग्रल साइन, डेल एक्स और डी एक्स, ये प्रॉपर्टी आप जानते हो ऑलरेडी. ये मैंने आपको बता रखा है पहले लेक्चर में. तो ये डेल एन बाई डेल एक्स प्लस ये सॉल्व होकर के आ जाएगा आपके पास एफ एक्स अलोन. तो ये आया आपके पास पूरा पूरा ये वाला पार्ट. ठीक है, तो इधर आपके पास आया पूरा पूरा ये वाला पार्ट, ठीक है ना, और इधर आया ये वाला पार्ट. तो इन दोनों का एडिशन, ये देखो इन दोनों का एडिशन है ना, उधर आया आपके पास ये वाला पार्ट पूरा पूरा है ना. अच्छा ये हमने मिस कर दिया यहाँ पे, साथ में n इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स भी तो रहेगा. ठीक है, तो यहाँ से e टू द पावर, अभी ये दोनों तो इक्वल है ना, तो e टू द पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इधर से कॉमन जा करके इस वाले पार्ट को आप कैंसिल कर सकते हो. वैसे के लिए कैंसिल तो होता नहीं है, कॉमन जा करके ये नॉन जीरो फैक्टर, तो रिमेनिंग फैक्टर जीरो होगा. तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वल हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स प्लस एन टाइम्स ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा. और यहाँ से आपके पास सॉल्व होकर के निकल जाएगा डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन विल बी एफ एक्स. और ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, कंडीशन में ही तो दिया हुआ था ना, तो ये क्या निकल गया, विच इज ट्रू. मतलब समझना अच्छे से, मतलब हमने क्या कंसीडर किया स्टार्टिंग में, मतलब हमने क्या कंसीडर किया, हमें बोला गया है कि भाई इस ये एक नॉन एग्जैक्ट है तो ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, बता प्रूफ कर. तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इस चीज से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब तो इसको एग्जैक्ट बन जाना चाहिए. समझ में आया ना, इसको एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, बन जाना चाहिए. बिल्कुल सही. अभी मैंने क्या किया मान लो, अभी मैंने क्या किया आसान तरीके से समझाता हूं. मैंने इस चीज से इसको मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बनना चाहिए ना. तो इससे इसको मल्टीप्लाई करके मैंने नया एम वन और एन वन निकाला. अभी मैंने बोला कि अगर ये एग्जैक्ट इससे मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बनता है तब तो ये एग्जैक्ट का कंडीशन को फॉलो करेगा ना. तो अगर ये एग्जैक्ट का कंडीशन को फॉलो करता है तब तो ये चीज होना पड़ेगा ना, ये चीज होना पड़ेगा ना. तो मैंने चेक किया, स्टार्ट किया मैंने चेक करना. तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया चेक करना तो आपको क्या मिला, मान लो मैंने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना स्टार्ट किया. तो अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं कैलकुलेट करता, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस कैलकुलेट करता तो मान लो मेरे पास क्या आता, इस तरीके से भी तो सोच सकते थे ना पूरा प्रूफ को. मान लो मेरे पास क्या आता, ये ब्रैकेट में चला जाता और अंदर आ जाता डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स माइनस एन टाइम्स ऑफ एफ एक्स. और क्वेश्चन में आपको ये कंडीशन दिया हुआ है तो इसी कंडीशन से ही तो ये निकल जाता है ना. इसी कंडीशन को सॉल्व करोगे, n उधर लेके जाओगे और n fx को इधर लेके आओगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो. मतलब ये जीरो आ गया. अगर ये जीरो आ गया मतलब इसका वैल्यू जीरो आ गया, और इसका वैल्यू अगर जीरो आ गया तो आपको क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू दैट. मतलब क्या मिल गया कि ये तो एग्जैक्ट का कंडीशन है. मतलब हमें पता चल गया कि भाई ये तो आसान चीज नहीं है, ये तो बहुत ही स्पेशल चीज है कि इससे जब भी मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो जो नया इक्वेशन जनरेट हुआ वो तो एग्जैक्ट का कंडीशन को फॉलो कर रहा है. मतलब ये एग्जैक्ट बन चुका है. और अगर ये एग्जैक्ट बन चुका है हकीकत में तो ये जो फैक्टर जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो एक स्पेशल फैक्टर बन गया और वही हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. और वही से ये प्रूफ हो जाता है
therefore, e to the power integration of fx dx is then integrating factor of differential equation 1. बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? बहुत ही आसान बात है दोस्त, एकदम आसान तरीके से मैंने आपको कहानी को समझा दिया, क्लियर है? समझ में आ रहा है, क्लियर? चलो, तो इसी से मिलता जुलता एक और रूल आपके पास आता है, इसी से मिलता जुलता एकदम सिमिलर एक और रूल आपके पास आता है ना, और वो है आपका रूल नंबर 2। वहां पे बस एक चीज चेंज हो जाता है, ये आप एग्जाम में भूल जाओगे, याद रखना, कंफ्यूजन में मत आइएगा, गड़बड़ मत कर दीजिएगा। रूल 2 में बस इतना बताया जाता है कि ये नॉन एग्जैक्ट है, और बस यहां पे डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई, बस ये पहले आ जाता है, ये बाद में चला जाता है, और नीचे क्या आता है, एम आता है। तो अगर इस चीज का वैल्यू फंक्शन ऑफ वाई हो जाता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा, जहां पे फंक्शन ऑफ वाई वाई का ही फंक्शन होना पड़ेगा, उसमें कोई एक्स नहीं रहेगा, ठीक है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। समझ में आया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। तो इसको भी प्रूफ करना बहुत ही आसान है दोस्त, बहुत ही आसान है। आप क्या करो, आप पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन को ना, आप क्या करो, मैं थोड़ा सा हिंट दे करके दे रहा हूं, ठीक है? आप क्या करो, आप इस आपको प्रूफ करना है ना कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इसी से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ना इसी से, आप इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म बात, ठीक है? अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी चीज से, तो ये क्या बन जाएगा, ये एम वन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा दोस्त, ये बन जाएगा आपका एन वन। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया एम वन और ये हो गया आपका एन वन। बात समझ में आया ना? अच्छा, अगर ये एम वन है और ये अगर आपका एन वन है, ठीक है, मतलब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एग्जैक्ट बन जाना चाहिए। ये एग्जैक्ट कब बनेगा? जब डेल एम वन बाई डेल वाई और डेल एन वन बाई डेल एक्स इक्वल आप प्रूफ कर दोगे। तो इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए आप क्या कैलकुलेट करो, आप डेल एम वन बाई डेल वाई माइनस डेल एन वन बाई डेल एक्स को कैलकुलेट करते जाओ, है ना? करते करते आपके पास वही ऐसा एक कंडीशन आएगा, एफ वाई डी वाई कॉमन चला जाएगा और यहां पे ब्रैकेट में आपके पास कुछ ना कुछ आ जाएगा, और वही चीज का वैल्यू देखोगे जीरो आ रहा है फ्रॉम दिस कंडीशन। इस कंडीशन को यूज करने से मेरे को तो दिख ही रहा है कि इसके ब्रैकेट में क्या आएगा, डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई माइनस एम ऑफ वाई आएगा। तो उसका वैल्यू आप जीरो लिख दोगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन। तो जैसे ही ये जीरो आ गया तो यहां से प्रूफ हो जाएगा डेल एम वन बाई डेल वन डेल एम वन बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन वन बाई डेल एक्स। तो प्रूफ हो जाएगा कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द गिवन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो प्रूफ हो जाएगा कि यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। बात समझ में आया, क्लियर है? तो यही हमारा अप्रोच होता है प्रूफ के प्रति, ठीक है? तो इस चीज को मैं होमवर्क में डाल रहा हूं, इसको मैं नहीं कर रहा हूं एग्जैक्टली, मैं सब कुछ फॉर्मुलेट करके बता दिया आपको कि कैसे करना है क्या करना है। अभी भी अगर आप नहीं कर पाए तो वो आपकी बात है यार, फिर भी अगर डाउट वगैरह होता है तो अकॉर्डिंगली आप पूछ लीजिएगा क्लास में, मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? या फिर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज ये बहुत ही आसान है और आप कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर पैटर्न में मैं करा दिया आपको ऑलरेडी, और ये डिफरेंशिएशन तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है? एम वन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये बाहर चला जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई आ जाएगा, और एन वन को जब इसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है दोस्त? तो नहीं, एम वन को, हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, जब वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये भी वाई का फंक्शन, ये भी यहाँ पे भी एक्स और वाई होगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और यहाँ पे तो ये बाहर आ जाएगा और डेल एन बाई डेल एक्स हो जाएगा, तो आराम से ये आ जाएगा यार आपके पास, ठीक है? तो आप इजीली इसको टैकल कर सकते हो, आप कर लीजिएगा, अंदर जो आएगा वो मेरे को लग रहा है एम ऑफ एफ वाई प्लस डेल एन बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स आएगा, और वही चीज आप जीरो लिख देना, प्रूफ हो जाएगा कि दिस इक्वल टू दैट। बाकी तो पूरा रूल वन के प्रूफ की तरह आपको लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है, क्लियर? तो ये है आपका 2 रूल और उनका प्रूफ भी हम लोग समझ गए कि कैसे आया। तो अभी तक हमने जितने भी रूल स्टडी किए उनके ऊपर बेस करके हम लोग ये तो बता सकते हैं ना कि सर अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो इस टाइप का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आता है और वो अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है सर, तब तो मैं उसको एग्जैक्ट बना सकता हूँ सर बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
मैं पूछूंगा कैसे, आप बोलोगे सर अगर उस क्वेश्चन में ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो मैं क्या कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर ये सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, अगर ये सेटिस्फाई किया तो हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई, ठीक है ना। और उसी से मल्टीप्लाई करके नया एम वन और एन वन मेरे को मिल जाएगा और उन्हीं एम वन और एन वन की मदद से मैं अपना एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिख दूंगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो तो चलिए, मैं दो प्रॉब्लम लिया है, दोनों रूल के ऊपर बेस करके दो प्रॉब्लम लिया है, उन प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं इन दोनों रूल को और अच्छे से फील कराने का आपको कोशिश करता हूँ। जैसे ही ये फील हो जाता है आपको तो अपन बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। चलिए चलिए दोस्त आगे बातचीत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या बोला जा रहा है, पहला प्रॉब्लम आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर जीरो, ठीक है। इसको आप रोमन वन मार्क कर सकते हो। तो अब सबसे पहले एम और एन निकालोगे तो अब क्या लिखोगे, कंपेयरिंग डिफरेंशियल इक्वेशन वन विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, वी हैव एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स एंड एन बराबर एक्स इंटू वाई। तो यहां पे क्या मिलेगा, हियर डेल एम बाई डेल वाई आप करके देखिएगा वो कितना आ जाएगा, ट्वाइस वाई, और डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, वाई आ जाएगा। तो क्या ये इक्वल आया, बिल्कुल ये इक्वल नहीं आया। तो आप क्या लिखोगे, नीचे भी लिख सकते हो साइड में भी लिख सकते हो, एज डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ रहा है, ये कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, आपका रूल वन चेक करोगे। अगर रूल वन फेल हो जाता है तो रूल टू भी फेल हो गया तो रूल थ्री भी फॉलो हो गया, रूल फोर, देन रूल फाइव, अकॉर्डिंगली आप करते जाओगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहला रूल आपका क्या था, डेल एम बाई डेल वाई माइनस ये नॉन एग्जैक्ट तो प्रूफ हो गया। अभी आपको ये चेक करना है कि क्या इसका आंसर फंक्शन ऑफ एक्स अलोन आता है या नहीं आता है। तो डेल एम बाई डेल वाई क्या है, ट्वाइस वाई, माइनस डेल एन बाई डेल एक्स कितना है, वाई, डिवाइडेड बाई एन कितना है, एन है वाई। तो ये क्या आ गया, ये तो वाई बाई वाई कॉन्स्टेंट आ गया ना, तो कॉन्स्टेंट फंक्शन को तो मैं एक्स का फंक्शन तो बोल ही सकता हूँ ना, कॉन्स्टेंट फंक्शन को मैं एक्स का फंक्शन भी बोल सकता हूँ, वाई का फंक्शन भी बोल सकता हूँ, बट अगर एक्स का फंक्शन है तो ये रूल वन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना, विच इज, क्योंकि मैं इसको एक्स टू दी पावर जीरो लिख सकता हूँ ना, तो ये एक्स का हर कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन को किसी भी वेरिएबल में आप इंटरप्रेट कर सकते हो, विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, ठीक है। देयरफोर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आएगा वो कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। बात समझ में आया ना, देयरफोर आपके पास जो इंटीग्रेट, अरे अरे मैंने गड़बड़ कर दिया यार, अरे यार एन का वैल्यू थोड़ी ना, मैंने तो ये लिख दिया, एन का वैल्यू तो एक्स वाई होगा, अरे यार तो ये वन बाई एक्स आया। अगर यहाँ पे वन बाई एक्स ना आके कोई कॉन्स्टेंट आता तब भी मैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स बोल देता, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, और वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है एल एन मॉड एक्स, बट मॉड को अपन इंटरप्रेट नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से प्लस सी भी यहाँ पे आएगा, है ना, प्लस सी भी आएगा, बट वो प्लस सी भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, मैं फास्ट बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, अदरवाइज मैं ऑलरेडी पहले, अगर आपका मास्टर बताया होगा तो बताया होगा, आपको नहीं बताया होगा तो पता नहीं, आप देख लीजिएगा मेरा बेसिक का लेक्चर्स, लेक्चर वन के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, 12 के लेक्चर्स देख लीजिएगा,
तो e पावर ln x प्लस c यहां पे आता है, बट वो प्लस c अपन नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते जानते हो? कि वो प्लस c अगर मैं लिख भी दिया यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर c को k लिख दूंगा और e टू द पावर ln x ही रह जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये k जब आप लिखोगे सॉल्यूशन में, जब आप इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अभी मल्टीप्लाई करने वाले हो ना इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोथ साइड में, तो जैसे ही आप बोथ साइड में मल्टीप्लाई करोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो ये के कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं बचेगा। इसीलिए आप यहाँ पे और प्लस सी नहीं लिखते हम लोग, ठीक है? अदरवाइज तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे लिखना चाहिए, ये गलत है, बट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आगे जाके ये सब कैंसिल होने वाला है, ठीक है? बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो ये e, e तो यहाँ पे रहेगा, ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी है ना, e टू द पावर ln x बेस e अगर है तो आंसर x आ जाएगा। अगर आंसर x आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया आपके पास x। अभी आपको पता है कि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाएगा। देयरफॉर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड, लिखना है लिख सकते हो, is x into x square plus y square plus x into dx plus x into xy dy बराबर 0। तो यहाँ से ये कितना निकल करके आया, ये आ गया x cube plus x y square plus x square dx plus x square y dy equal to 0। बात समझ में आया ना, क्लियर है? इसको आप रोमन टू बोल सकते हो। अभी बहुत बच्चे मेरे को बोलते हैं, सर यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं करना पड़ेगा। अरे करना नहीं पड़ेगा, हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एग्जैक्ट बनेगा, वो दिखाने का जरूरत नहीं है। आपका मन में अगर शक है तो आप रफ में कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो कितना आएगा, मेरे को तो डायरेक्टली लग रहा है वाई स्क्वायर आएगा, और इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखो ये कितना आएगा, ये ट्वाइस एक्स वाई आएगा, ये ट्वाइस एक्स वाई आएगा, ये ट्वाइस एक्स वाई आएगा। इक्वल तो नहीं आ रहा है दोनों, ऐसा गड़बड़ क्यों हो रहा है यार, कहीं पे मिस्टेक तो शायद ही किया होगा। वन बाई एक्स तो एल एन एक्स ही होता है, एक्स आ गया एक्स स्क्वायर वाई, डेल एन बाई डेल एक्स होता है ना, हाँ तो वाई बाहर आ जाएगा, ट्वाइस एक्स वाई हो गया। अच्छा सॉरी, इसको तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, तो x बाहर आएगा और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस y आएगा, तो ट्वाइस एक्स वाई तो आएगा दोनों से, है ना? ये m1 हो गया, ये n1 हो गया, तो m1 का डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y और n1 का डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x तो इक्वल ही आ रहा है ना। बोले सर ये लिखना नहीं पड़ेगा, वापस दिखाना नहीं पड़ेगा, नहीं ये दिखाने का जरूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक नॉन एग्जैक्ट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एग्जैक्ट बन ही जाएगा, जिसको हम ऑलरेडी रूल वन का प्रूफ में प्रूफ भी कर चुके हैं। तो ये कंफर्म रिजल्ट है इसको, और वापस आपको यहाँ पे m1 n1 पे डेल m1 बाई डेल y डेल n1 बाई डेल x वो सब और लिखना नहीं पड़ेगा आपको सॉल्यूशन में, ठीक है? वो अपन प्रूफ में ऑलरेडी कर चुके। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द रिक्वायर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन टू, और आप ये भी बोल सकते हो कि वन का जो सॉल्यूशन है वो भी तो यही है ना, जो टू का सॉल्यूशन होगा वही तो वन का सॉल्यूशन है, क्लियर है क्या? क्योंकि टू से एक्स कॉमन लेने से ही वन बन जाएगा, ठीक है? तो वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स। तो यहाँ पे m कितना है, m बेसिकली m डैश है ना, x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट। फिर क्या आता है, फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ दोज टर्म्स इन n विच डज नॉट कंटेन x। तो n पर तो कोई, n डैश पर तो यहाँ पे कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है जो x को कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जीरो आ जाएगा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, ये मान लीजिए आपका x क्यूब dx का इंटीग्रेशन तो x टू दी पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, y कांस्टेंट तो y स्क्वायर बाहर आएगा, और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आएगा, प्लस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब बाई 3 बराबर c। बस समझ में आया ना, तो यही हो गया, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, LCM वगैरह लेना है तो ले सकते हो, अदरवाइज यही हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 विच इज
द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो यही हुआ आपका एंटायर प्रोसीजर। बात समझ में आया? ठीक है, तो चलिए अभी रूल टू के ऊपर भी एक आध प्रॉब्लम करके आपको दिखा देते कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को अपन डील करेंगे या फिर सोचने वाले। सही है, चलो। हाँ, इरेज ही कर देते हैं, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलो चलो नंबर टू, बट नंबर टू में मैं इतना कुछ लिखने वाला हूं नहीं, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। देखो, ठीक है, ये एम है, ये एन है, थोड़ा गंदा एक्सप्रेशन है। अगर मैं डेल एम बाई डेल वाई चेक करता हूँ, क्या आएगा? वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो ट्वाइस एक्स तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? ई टू द पावर फोर इंटू ई पावर वाई का डिफरेंशिएशन, तो ई पावर वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वन वाई तो वन होगा। प्लस अगर मैं ई पावर वाई को कांस्टेंट रख देता हूँ, तो वाई पावर फोर का डिफरेंशिएशन फोर वाई क्यूब हो जाएगा। प्लस ट्वाइस एक्स बाहर आ जाएगा और वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो यहाँ पे ही ख़त्म। ठीक है, उसके बाद वाई का डिफरेंशिएशन आपका वन आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कितना आ गया? यह आ गया ट्वाइस एक्स वाई टू द पावर फोर ई टू द पावर वाई प्लस एट एक्स वाई क्यूब ई टू द पावर वाई प्लस सिक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन। बात समझ में आए? क्लियर है? चल अभी अगर मैं एन का बात करूं, तो एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर फोर ई टू द पावर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। ठीक है, और इसको मैं x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करूँगा, तो ये कितना आएगा? x के रिस्पेक्ट में तो y टू द पावर फोर ई पावर y तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये ट्वाइस x आएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स और माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा ट्वाइस x y टू द पावर फोर ई टू द पावर y माइनस ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर ये इक्वल नहीं है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, तो हमें अभी क्या चेक करना पड़ेगा? रूल वन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलो मैं ही चेक करके दिखा देता हूँ आपको रूल वन। अगर मैं रूल वन चेक करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स डिवाइडेड बाई एन को कैलकुलेट करूँगा, और वो फंक्शन ऑफ एक्स एलोन आना चाहिए। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखता हूँ, तो ये पार्ट के साथ तो ख़त्म है ना, ये पार्ट बचेगा है ना, और इससे ये जब माइनस होगा, तो ये एट एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और वन प्लस थ्री फोर आ जाएगा, और नीचे अगर मैं एन चिपका देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल वगैरह होना ही नहीं है, कुछ फ़ायदा होना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल वगैरह होगा ही नहीं, तो अभी अगर मैं रूल टू ऑपरेट करता हूँ, तो रूल टू के अकॉर्डिंग मेरे को क्या दिख रहा है कि इस चीज़ को करना होगा। अभी ये चीज़ क्या हो जाएगा? डायरेक्टली न्यूमरेटर का माइनस हो जाएगा, एट एक्स वाई क्यूब प्लस ई टू द पावर वाई प्लस एट इंटू ई टू द पावर वाई प्लस एट एक्स वाई स्क्वायर प्लस फोर, और डिवाइडेड बाई एम चाहिए। अभी यार एम भी तो इतना गंदा दिख रहा है, तो बहुत खतरनाक और गंदा क्वेश्चन यार, एम भी तो इतना गंदा दिख रहा है, एम पर भी तो कुछ कैंसिलेशन का नामो निशान मेरे को दिख ही नहीं रहा है। वाई ई टू द पावर वाई एन पर भी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना एम पर। ओह सॉरी, अगेन मैंने मिस्टेक किया। ये मिस्टेक मेरे से बहुत होता है और आपसे भी होगा। मैं एन के जगह पे बार बार ये पुट कर देता हूँ। एन तो ये है ना दोस्त, बट फिर भी ये पुट करने से यहाँ पे कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कैंसिलेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर m पुट करते हैं यहाँ पे m पुट करते हैं, ठीक है, तो शायद यहाँ से कुछ ना कुछ फायदा होगा। माइनस फोर कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा टू एक्स वाई क्यूब ई टू द पावर वाई प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन, और नीचे से अगर मैं y कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा? टू एक्स वाई क्यूब ई टू द पावर वाई प्लस
टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वन, तो ये फैक्टर कैंसिल होके ये माइनस फोर बाई वाई आ गया। वही चीज़ है, फंक्शन ऑफ वाई अलोन, अगर ये फंक्शन ऑफ वाई अलोन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डेफिनेटली क्या होगा, रूल वन तो फेल हो गया था यहाँ पे, ई टू द पावर माइनस एफ वाई डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस फोर बाहर आएगा और वन बाई वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एन वाई। ठीक है दोस्त, तो एल एन वाई इस माइनस फोर को तो लॉग का पावर में लेके जा सकता है, लॉगरिदम थोड़ा तो आना चाहिए ना प्रॉपर्टीज, तो ये हो गया है ना। अभी ई और ई प्रॉपर्टी से उड़ जाएगा और वाई पावर माइनस फोर आ जाएगा, दैट इज वन अपॉन वाई पावर फोर, क्लियर, दैट इज वन अपॉन वाई पावर फोर हो जाएगा। तो अभी अगर इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, तो कन्फर्म है कि अगर इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अभी अगर आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हो तो नया जो आपके पास एम डैश और एन डैश आएगा वो, उस पे अगर आप ये कंडीशन चेक करोगे डेल एम बाई डेल डेल एम डैश बाई डेल वाई और डेल एन डैश बाई डेल एक्स, तो इक्वल आएगा। बट वो करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हो, ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, रूल टू में आपने वही तो प्रूव किए थे ना कि अगर आप ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है, नॉन एग्जैक्ट होना मस्ट है पहला कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना मस्ट है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है नॉन एग्जैक्ट और ये दोनों अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ही होगा, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एग्जैक्ट बन ही जाएगा, ये कन्फर्म है। दैट इज नीचे अगर मैं वाई टू दी पावर फोर लगा देता हूँ, जीरो बाई वाई टू दी पावर फोर तो जीरो ही होगा है ना। अभी अगर आप इसको एम डैश और इसको एन डैश मान के अगर आप सॉल्यूशन लिख देते हो तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डैश डी एक्स जहां पे वेयर वाई इज ट्रीटिंग एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डैश दोस टर्म इन एन डैश विच डज नॉट कंटेन एक्स। तो एक्स को कंटेन ना करने वाला कोई टर्म आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे तो ऐसा मेरे को एक भी टर्म नहीं दिख रहा है जो एक्स को कंटेन नहीं करता है, तो वो उसमें तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, और दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो मैं ज़रूर इसका आंसर आपके साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा है ना, अगर मेरे को मिल जाता है इसका आंसर तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एक बार फटाफट। ठीक है, तो चलिए एक बार बता देते हैं आपको, क्यों नहीं बता बता दिया जाए आपको। सही, अच्छा इसका आंसर है मेरे पास एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई, आंसर नोट कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई, पहला वाला तो मैंने ही निकाल दिया था, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस एक्स अपॉन वाई क्यूब बराबर सी, एक्स अपॉन वाई क्यूब बराबर सी। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर, जो आप निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद आप अकॉर्डिंगली चेक भी करना, क्योंकि बिना चेक किए अगर आप निकाल के रख दोगे तो उससे कोई खास फायदा आपको होने वाला है नहीं दोस्त, ये आप भी जानते हो, मेरे से अच्छा जानते हो, क्लियर है। तो यही हो गया आपका दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये रूल वन और रूल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हमने बहुत डिटेल में स्टडी कर लिए, उनको पढ़ लिए अच्छे से, समझ लिए, उनका प्रूफ्स भी कर लिए और उनके ऊपर बेस करके एक एक एग्जाम्पल भी कर लिए है ना। हर रूल के साथ साथ मैं एक आध एग्जाम्पल कराता जाऊंगा उनको समझाने के लिए। ठीक है, अभी रिमेनिंग रूल को देख लेते हैं, उनको स्टडी करते हैं, उनका प्रूफ्स को देखते हैं, उनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर फाइनली आपके पास एक साथ 10-15 क्वेश्चन मिलेगा जो आपके लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो चलिए एक पॉज लेके मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं अगला रूल हमारा है ना, रूल थ्री आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखो इफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बट इट इज़ नॉट एग्जैक्ट, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका एग्जैक्ट नहीं है, वो तो हर रूल पे ही कंडीशन था, और साथों साथ ये बोला जा रहा है कि इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना पड़ेगा। ठीक है, तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा वो वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं होमोजीनियस का बात करूँ तो होमोजीनियस नेचर आप समझ रहे होंगे, होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, आप यूलर्स रूल जब पढ़े होंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन में तब आपको ज़रूर बताया गया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में होमोजीनियस फंक्शन क्या है ना। इस तरीके का चीज को अपन होमोजीनियस फंक्शन बोल सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, जहाँ पे नेट डिग्री आप एक्स या वाई का डिग्री नहीं देखोगे, नेट डिग्री पूरा एक्सप्रेशन में जो है वो इक्वल रहे है ना, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी वन और वन मिलकर के वाई स्क्वायर यहाँ पे चारों जगह पे आपको टू ही दिख रहा है नेट डिग्री, एक्स और वाई का टोटल पावर का समेशन। ठीक है, अगर इस तरीके से रह जाता है कहीं पे तो आप बोलोगे टोटल पावर यहाँ पे सेवन है। ठीक है ना, तो नेट डिग्री हर जगह पे सेम होना चाहिए पूरा पूरा टर्म में,
तब उस फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। और ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस फंक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स बराबर एफ बाई जी, अगर लिख जाते जहाँ पे एफ और जी दो होमोजीनियस डिफरेंशियल होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री, देन उस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये आप होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है वो भी आप पढ़ चुके हो प्लस टू से, आप क्लास 12 से पढ़ के आ रहे हो, और होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, दोनों आप अच्छे से जानते हो, तो इसमें मैं और बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक और पॉइंट अगर आपको नहीं पता तो बताते, होमोजीनियस फंक्शन को या तो आप फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई है ना, या तो आप फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर से ऊपर नीचे मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ये एक्स बाई वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स बाई वाई में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं एक्स बाई वाई वाले चीज को पकड़ लूँ तो ये पूरा एक्स बाई वाई का फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई है, ठीक है। क्योंकि देखो ना एफ एक्स क्या होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो उसी एक्स के जगह पे अगर एक्स बाई वाई लिख देता हूँ तो ये एक्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। सही बात है, क्लियर है। तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं गोला लगा देता हूँ तो इस गोले पे अपन आराम से एक्स बाई वाई को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई है, क्लियरली ये विजिबल है। बात समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्त। चलो आगे बढ़ते दोस्त और इस जगह पे ये याद रखिएगा कि होमोजीनियस फंक्शन को अपन एफ फंक्शन ऑफ एक्स बाई वाई या फिर कंप्लीटली फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इतना बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता होगा होमोजीनियस फंक्शन के बारे में, आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे, आप क्लास 12 में भी पढ़े होंगे, ठीक है, कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड देन आपका लास्ट में क्या आता है कि उसको क्या बोलते हैं यार, भूल गया, कि होमोजीनियस फंक्शन को अपन एक्स बाई वाई का फंक्शन या फिर वाई बाई एक्स में टोटली आप एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है दोस्त। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि एग्जैक्ट नहीं है, याद रखिएगा ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है बट एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1/mx + ny, ठीक है। तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1/mx + ny। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो अपन यहां से स्टार्ट करते प्रॉब्लम को, ठीक है। अच्छा अगर देखो दोस्त, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि अगर इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरा एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तब इसको एग्जैक्ट बन जाना चाहिए। मतलब हम प्रूफ करते वक्त ये सोचेंगे कि अगर इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मैं दोनों तरफ इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो अभी जो ये नया डिफरेंशियल इक्वेशन आया वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, मैं इस चीज को परफेक्ट डिफरेंशियल में एक्सप्रेस कर पाऊंगा, डेफिनेटली, है ना। वही तो था एग्जैक्ट का बेसिक डेफिनेशन, कि इसको अगर परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर पाए तभी इसको एग्जैक्ट बोल पाओगे आप, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो आप समझ गए होंगे कि भाई अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते उसी से तो ये एग्जैक्ट बन जाएगा। तो एग्जैक्ट बन जाएगा, इसका प्रूफ कहां से मिलेगा कि अगर ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है तो। बात समझ में आ रहा है ना। रूल 1 और 2 का प्रूफ में हमने क्या यूज किए थे, एग्जैक्ट का सेकंड वाला कंडीशन यूज किए थे, दैट इज डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स, वो प्रूफ किए थे। और अब की बार हम इन दोनों रूल में एग्जैक्ट का बेसिक कंडीशन को प्रूफ करेंगे, दैट इज एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट डिफरेंशियल प्रूफ कर देंगे। कौन सा एक्सप्रेशन, ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं, आफ्टर मल्टीप्लाइंग द एक्सप्रेशन विद द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बात समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हमने प्रॉब्लम को इस जगह से स्टार्ट किया। अब समझ गए है ना। आप अचानक से नहीं तो बोल देंगे कि सर यहां से ही प्रॉब्लम को क्यों स्टार्ट किया, यहां से प्रॉब्लम को स्टार्ट करने के पीछे लॉजिक है, ये है उसका लॉजिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अभी इसको कैसे लिख सकते हो, देखो है ना, अभी ये मैनिपुलेशन जिसने किया वो कैसे सोचा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता है ना, वो खुद ही मेरे को नहीं पता कि उसने कैसे सोचा, बट क्यों सोचा, हर स्टेप में क्यों ये सोचा और किस लिए उसका दिमाग में ये क्लिक किया वो जरूर बता सकता हूं, है ना। कैसे सोचा उसका जवाब तो उस इंसान के पास भी नहीं होगा, खुद सोच के देखो ना, वो करता गया सोचता गया, चीजों को मैनिपुलेट करता गया और परफेक्ट डिफरेंशियल में सोचता गया तो वो आ गया। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चल तो अगर मैं इस चीज को इस टाइप में लिखूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा,
मैंने क्या किया, यहाँ पे dx by x plus dy by dy लगाया है ना, और यहाँ पे mx minus ny दे करके dx by x minus dy by y लगाया। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके देखिए आप, ये आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ये आपको मिल जाएगा, क्लियरली मिलेगा, ठीक है। बाहर उधर अंदर ट्वाइस आएगा तो वो टू उधर वाले से कैंसिल हो जाएगा, बात समझ में आया, क्लियर है। चलो अभी देखो दोस्त, अभी देखो, अभी अपन ने यहाँ पे क्या किए, जरा ध्यान से देखिएगा, अभी हमने यहाँ पे क्या किए उस चीज को जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ ये स्टेप से ये स्टेप जो है वो कंप्लीटली आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, उसमें मैं कोई कंसेप्ट आपको नहीं बता सकता कि उसने कैसे सोचा, ठीक है। बिल्कुल उस फॉर्मेट के बारे में सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है, क्योंकि ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है, इसीलिए ये चीज में कन्वर्ट करने के बारे में सोचा है। बट एग्जैक्टली वो उस वक्त जिस वक्त उसने प्रूव किया था, उस वक्त कैसे इस चीज को डेवलप किया है, वो मेरे सोच से बाहर है, ठीक है। उतना दिमाग मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि मैं ऐसा चीज सोच पाऊं। हाँ, उतना दिमाग मेरे पास जरूर है कि ये चीज ट्रेन करके मैं आपको फीड कर दूं कि ऐसे चीजें सोचते कैसे, परफेक्ट डिफरेंशियल बनाते कैसे, ठीक है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, और वही मेरा काम है। तो देखो जरा ध्यान से, फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, है ना, एक चीज आप देखिएगा, जरा एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे मैंने एक चीज गलत लिख रखा है, ये नहीं होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई को हमने क्या लिखा, हमने इस प्लेटफॉर्म में उसको लिख दिया है, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको ये मिल जाएगा। अभी अगर मेरे को चाहिए क्या, ये एक्सप्रेशन चाहिए, इसको परफेक्ट डिफरेंशियल दिखाना है, तो मैंने एम एक्स प्लस एन वाई से दोनों तरफ डिवाइड लगा दिया। जैसे ही मैंने डिवाइड लगाया, ठीक है, अच्छा यहां से एक हिंट तो मैं जरूर दे सकता हूं कि एज मैं इससे डिवाइड करूंगा आगे जाकर के, मेरे को पता है ना, क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन का जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है, इसको मुझे परफेक्ट डिफरेंशियल दिखाना है, इसको नहीं। तो एज इससे मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे दोनों में से एक ना एक फैक्टर तो ये जरूर होना चाहिए, तो वो मेरे पास एक आइडिया, मतलब ऐसे मैं फील करा सकता हूं, आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो देखो इसीलिए उसने सोचा होगा जिसने भी ये निकाला कि यहां पे क्यों ये फैक्टर लगाया। अब ये फैक्टर क्यों लगाया, क्योंकि ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल बनता है, और ये अगर लगाया तो कभी ना कभी उसने बहुत रफ वर्क करने के बाद कभी ना कभी ट्रायल किया होगा एम एक्स माइनस एन वाई से, और सिमिलरली भी यहां पे माइनस रख के, तो अकॉर्डिंगली ये आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद से अपन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको क्लिक करा सकते। तो अभी मेरे को इस चीज का जरूरत है, तो मैंने इसी चीज से, इसी फैक्टर से, mx plus ny से दोनों तरफ डिवाइड कर दी, तो डिवाइड करने से ये खत्म, यहां से ये mx minus ny by mx plus ny आ गया। अभी जरा ध्यान से देखिए, आपको क्वेश्चन में तो बोल के दिया हुआ था ना, गिवन था ना, कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो m और n जो होगा ना दोस्त, वो m और n क्या होगा, m और n होमोजीनियस फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ x और y, मतलब m और n का जो नेट पावर होगा x और y का, वो इक्वल होगा, बात समझ में आया। और अगर m और n का नेट पावर इक्वल होता है, ठीक है, तो आप क्लियरली बोल सकते हो कि m को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं और n को अगर मैं n y से मल्टीप्लाई करूं, मान लो m और n दोनों अगर होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ सेम डिग्री, जो कि होना ही पड़ेगा, मैंने आपको यहां पे बोला था कि यहां पे f by g जब लिखा था तो f और g होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री होगा, वही f यहां पे m की तरह ट्रीट हो रहा है, वही g यहां पे n की तरह ट्रीट हो रहा है, तो इसका नेट डिग्री मान लो n है, तो इसी n वाले डिग्री को अगर x से मल्टीप्लाई किया तो नेट डिग्री n प्लस 1 हो जाएगा, यहां पे भी नेट डिग्री n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा होमोजीनियस रह जाएगा, है ना, और ये नीचे वाला भी पूरा होमोजीनियस होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस बाय होमोजीनियस को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, आप क्लियर होगा आपको, सम फंक्शन ऑफ x बाय y के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, मान लीजिए x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस मान लीजिए क्या बोलूं xy क्यूब, ठीक है, इसका नेट डिग्री कितना है, 4 है, ठीक है ना। और सेम डिग्री का आप नीचे भी लिखिएगा, जरा सेम डिग्री का, 4 ही डिग्री का आप नीचे भी लिखिएगा, आप नीचे क्या लिख सकते हैं, xy क्यूब और xy क्यूब माइनस y टू दी पावर 4 लिख दीजिए, ठीक है। तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4 है, ऊपर वाला भी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4 है। अभी अगर y क्यूब से ऊपर नीचे कैंसिल कर देते, मतलब डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे y क्यूब से अगर ऊपर नीचे डिवाइड मार देते तो दोस्त y क्यूब से फायदा नहीं होगा। आप एक काम करो,
आप y टू द पावर 4 से डिवाइड करो, जैसे ही आप y टू द पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे तो नीचे आ जाएगा y टू द पावर 4, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x बाई वाई होल स्क्वेयर, ये बन जाएगा x बाई वाई, ये बन जाएगा x बाई वाई, ये बन जाएगा माइनस वन, तो ये पूरा पूरा फंक्शन ऑफ x बाई वाई हो गया। अगर ये फंक्शन ऑफ x बाई वाई हो गया दोस्त तो मामला साफ वहीं पे, ये क्या है, क्लियरली मैं इस एक्सप्रेशन को फंक्शन ऑफ x बाई वाई लिख सकता हूँ, दैट इज f ऑफ x बाई वाई, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन में मैं इस जगह पे f ऑफ x बाई वाई सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अभी इस लाइन के बाद मेन दिमाग वाला पार्ट शुरू होता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा उसको, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अभी फीलिंग स्टार्ट होगा किसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फीलिंग स्टार्ट होगा, जरा ध्यान से देखिएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का फीलिंग क्या आता है यहाँ पे, बात समझ रहे हो ना, वीडियो ठीक ठाक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दोस्त, जबरदस्त। चलिए आगे बात करते, जरा ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई जो होगा ना दोस्त, क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वाई, वो क्या होगा, आप बोलोगे सर लॉगरिथम ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कर रहे हो ना, मैं बोलूँगा हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन बाई दैट क्वांटिटी इन टू डेरीवेटिव ऑफ एक्स वाई, दैट इज एक्स इन टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इन टू डी डी एक्स ऑफ एक्स इज वन। तो इसको अगर मैं एलसीएम वगैरह ले लेता हूँ, ठीक है ना, इसको अगर अपन एलसीएम वगैरह ले लेते तो ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई वाई आ जाएगा, है ना, डी वाई बाई वाई डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल होकर वन बाई एक्स आ जाएगा। तो अगर डी एक्स से आप एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, है ना, मान लीजिए डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो डी ऑफ डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा मान लीजिए, तो यहाँ पे भी डी एक्स कैंसिल होकर के क्या बचेगा, ये आ जाएगा और यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा। तो आप क्लियरली देखिए ना, डी एक्स बाई एक्स प्लस डी वाई बाई वाई का एक्सप्रेशन किसके इक्वल आया, लॉग ऑफ एक्स वाई आ गया, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट नहीं हुआ क्या, बोलिए, इस पूरा एक्सप्रेशन को मैं डी ऑफ समथिंग में एक्सप्रेस कर पाया, समझ में आया ना, यही तो है आपका परफेक्ट डिफरेंशियल, है ना, जो डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन बाई डेल एक्स का प्रूफ था उस वक्त भी तो आपने कुछ इसी तरीके से कहानी को प्रूफ किए थे, याद कीजिए जरा, समझ में आ रहा है मेरी बात, बस तो वही चीज यहाँ पे आया दोस्त, है ना, यही चीज हमने सोचा, है ना, और यही इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन, समझ गए ना, इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन, जो अगला रूल है ना हमारा रूल 5 वो वही है। अगर ये सब प्रूफ में ये सब छोटे छोटे बातें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो ना डीपली, तो और कोई दिक्कत ही नहीं होगा दोस्त, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंस्पेक्शन। प्रॉब्लम में किसी भी वक्त में इस चीज को जाकर के ये लिख दूंगा, ताकि क्यों लिख रहा हूं, रीजन क्या है, ताकि ये इजीली इंटीग्रेबल हो जाए, जब भी इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रल और डी खत्म हो जाएगा, आंसर लॉग एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, सिमिलरली इस चीज को आप करके देख लीजिएगा, ये लॉग ऑफ एक्स बाई वाई आएगा, है ना, सिमिलरली डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई करके आप कीजिएगा ना, तो आपके पास यहाँ पे डी एक्स बाई एक्स माइनस डी वाई बाई वाई आएगा और डी एक्स डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आप इजिली लॉग ऑफ एक्स बाई वाई लिखोगे। तो अगर ये log ऑफ x बाई वाई है तो इस अंदर वाले को भी तो log ऑफ x बाई वाई के फॉर्मेट में लेके जाना पड़ेगा ना, तो और इस अंदर वाले को log ऑफ x बाई वाई के फॉर्मेट में लेके जाने का एक ही तरीका है कि एक्सपोनेंशियल के पावर में log लिख दो, है ना, तो ये आ गया log ऑफ x बाई वाई का फॉर्मेट, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, चलो दोस्त, ठीक है। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी मैं इजीली बोल सकता हूँ ना कि सर ये जो चीज है फंक्शन ऑफ e टू द पावर log ऑफ x बाई वाई, ठीक है, है ना, फंक्शन आपका जो भी रहा, फंक्शन ऑफ e टू द पावर log ऑफ x बाई वाई, है ना, मान लीजिए फंक्शन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो जब फंक्शन ऑफ e टू द पावर log ऑफ x बाई वाई होगा तो वो क्या आ जाएगा, x के जगह पे e टू द पावर log ऑफ x बाई वाई होल स्क्वायर माइनस वन आएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्लियरली g ऑफ समथिंग नाम दे सकता हूँ ना, है ना, अलग एक और फंक्शन लिख देता हूँ जो log ऑफ x बाई वाई के फॉर्मेट में है, है ना, मान लीजिए अलग एक और फंक्शन है तो ये e टू द पावर 2 इंटू समथिंग माइनस 1, मान लीजिए ये आपका अगर g है तो g के अंदर अगर ये इनपुट करूंगा तो ये आपको वही मिलेगा ना, समझ में आया। तो इसको आराम से आप g ऑफ log ऑफ x बाई वाई के फॉर्मेट में लिख सकते हो, प्लस बाजू वाला क्या है d ऑफ log ऑफ x बाई वाई, ठीक है ना। अभी पूरा पूरा फॉर्मेट देखिए आपका परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, है ना, परफेक्ट डिफरेंशियल मतलब क्या, सिंगल डी, है ना, तो ये तो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग बन चुका है, और एज ये तो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग नहीं बना, है ना, ये तो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग नहीं बना, तो इसके पहले मैंने क्या किया, इसके पहले एक इंटीग्रल साइन लगा दिया, है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, इस जगह पे मैंने एक इंटीग्रेशन लगा दिया और उसके बाहर एक डी लगा दिया,
ठीक है ना। तो डी और इंटीग्रल साइन तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ठीक है। और फिर इस डी और इस डी को मैंने अगले लाइन पे जब बाहर निकाल दिया तो ये हाफ अंदर घुस गया, है ना। और यहाँ पे भी प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रल साइन बच गया और जी ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई इंटू डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स बाई वाई बच गया। क्लियर है, समझ में आया। और इस पूरा पूरा फंक्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, यू नाम दे दिया। तो ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल में एक्सप्रेस हो गया। तो अगर आपका ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट डिफरेंशियल बन जाता है तो मेरे को क्लियरली मालूम पड़ गया कि भाई इस नॉन एग्जैक्ट को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब ये जरूर आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हुआ मतलब क्या, कि ये एग्जैक्ट बन गया। और ये एग्जैक्ट अगर बन जाता है तो जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किए थे वो फैक्टर कौन होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और इसी तरीके से हमने प्रूफ कर डाला, ठीक है। तो इस चीज़ों का ये सारे चीज़ों का ना प्रूफ में बहुत ही इंटरनल फीलिंग के साथ आप प्रूफ्स को समझो, क्योंकि प्रूफ को जितना स्ट्रांग तरीके से आप फील करने का कोशिश करोगे ना दोस्त, उतना ही आपका चीज़ें स्ट्रांग होता जाएगा। मेरे ख्याल से मैं ये फील कर सका, है ना, कि जितना आपका प्रूफ जबरदस्त होगा, अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, उतना बेहतर तरीके से आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे, ठीक है। ये जो बीच बीच में बातें जो है ना, लोग तो ये सब कराते ही नहीं है यार, ठीक है, या फिर कराते भी तो है तो नोट्स देके छोड़ देते, ऊपर ऊपर बताते, सब समझ ही नहीं पाओगे। मैं आपको इतना डीपली एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मेरा मेहनत को कदर करके इस चीज़ को सीखिएगा जरूर अच्छे से, ठीक है। क्योंकि अगर बाई चांस एग्जाम में आ गया ना तो बिना समझे ये सब करके एग्जाम में आप आ जाओ, ठीक है, उसका चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। अनलेस अल्टेड आप एकदम रट्टू तोता हो कि बचपन से रटते रटते आ रहे हो सारी चीज़ अभी भी पूरा याद कर लोगे ए टू जेड बिना समझे, वो अलग बात है, वो स्पेशल केस है, ठीक है। बट अगर आप रट्टू तोता नहीं हो तो आपको ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, है ना। ये दोनों चीज़ हर स्टेप में आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, क्यों कर रहे, कैसे सोच के कर रहे, है ना। ये दोनों चीज़ हमेशा क्लियर होना चाहिए। ये दोनों चीज़ अगर क्लियर है तो बोला मामला पूरा क्लियर है और कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए अगले रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 पे क्या बोला जा रहा है, देखो अगेन एक और पैटर्न है ये, कि अगर ये नॉन एग्जैक्ट है, ठीक है ना, अगर ये नॉन एग्जैक्ट है और एम का वैल्यू अगर यहाँ पे इस टाइप में दिया हुआ है कि वाई इंटू समथिंग फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, और n का वैल्यू इस टाइप में दिया हुआ है n इंटू जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना। फंक्शन का मतलब आप बार बार समझ रहे हो, है ना, मान लो ये एक फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऑफ समथिंग अगर मैं लिख देता हूँ, मतलब उस टर्म को अगर उस एक्सप्रेशन से गायब कर देता हूँ तो उसमें कोई वेरिएबल बचना ही नहीं चाहिए, तभी वो कम्प्लीटली फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा ना, ठीक है। जैसे कि अगर मैं मान लो किसी भी चीज़ को ऐसे बोल दो एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स वाई माइनस थ्री, तो एक्स वाई को अगर यहां से पूरा गायब कर दूं तो क्या वेरिएबल बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, एक्स बच रहा है। अगर एक्स की जगह पे एक्स वाई टू दी पावर समथिंग फोर या फिर कोई कांस्टेंट टर्म ही अगर होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, तब तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो जाता। बट उस एक्स वाई को जिसका फंक्शन लिखोगे, फंक्शन ऑफ जो भी लिखे, अगर फंक्शन ऑफ आपने कुछ भी लिख दिया फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उस एक्सप्रेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा वर्ड को हटाने के बाद कोई और वेरिएबल बचना ही नहीं चाहिए, समझ में आ रहा है ना, ये आपका मेन मतलब है। तो इस चीज़ को रिलेट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नॉन एग्जैक्ट होता है और ये अगर m का वैल्यू ये और n का वैल्यू अगर ये होता है तो डेफिनेटली आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर कभी जीरो होता नहीं है, आप जानते हो, इतना तो फ्रैक्शन का आइडिया आपको होगा ही बचपन से, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पर भी नॉन जीरो, डिनोमिनेटर यहाँ पर भी नॉन जीरो, सही बात है, क्लियर है। चलो तो इसको कैसे प्रूफ करें, देखो, है ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका ये है और दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन एफ वन एक्स वाई वाई डी एक्स, मतलब क्या, m का वैल्यू आपने पुट कर दिए और दूसरे जगह पे आपने n का वैल्यू पुट कर दिए, सही बात है, क्लियर है। तो सिंपल ही मेरे ख्याल से, है ना, आप ये सब ना बोल के आप डायरेक्टली ये बोल सकते थे कि अगर ये इस फॉर्मेट में है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा। अब याद रख लेना कि जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में आएगा, है ना, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और अगर ये नॉन एग्जैक्ट हुआ तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो यही होगा, इसी से मल्टीप्लाई करके इसको एग्जैक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो बस m का वैल्यू यहाँ पे लग दिया और n का वैल्यू लिख दिया, f और g ना लिख के यहाँ पे f1 और f2 यूज़ किया गया है, क्लियर है। चलिए आगे इसको प्रूफ करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ ना दोस्त, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को क्या मिलेगा, m डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई दैट
मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बहुत सारे बच्चे ना उनको बेसिक्स कुछ पता ही नहीं होता है, इक्वेशन कंपेयर करने के बाद डायरेक्टली m इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई लिख देगा और n इक्वल टू दैट लिख देगा। अब इस तरीके से इक्वल नहीं होता है, वो रेशियो इक्वल होता है, रेशियो इक्वल होता है। मेरे को एक बात बता, 2x प्लस 3y बराबर 5 अगर बोल देता हूँ और 4x प्लस 6y बराबर 10 अगर बोल देता हूँ तो क्या 2 और 4 इक्वल है, 3 और 6 इक्वल है क्या? नहीं है ना। बट इस इक्वेशन से 2 कॉमन लो, ऊपर वाला इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे कहानी क्या हो रहा है, यहाँ पे कहानी हो रहा है 2 बाई 4 इज इक्वल टू 3 बाई 6 इज इक्वल टू 5 बाई 10 इक्वल टू हाफ। ठीक है ना, रेशियो हमेशा इक्वल होता है। अगर कोई भी दो इक्वेशन सिमिलर होता है ना तो उनका कॉफिशियंट का रेशियो इक्वल किया जाता है। यहाँ पे हम dx और dy का कॉफिशियंट जो है उनका रेशियो को इक्वल करेंगे, ना कि उनको इक्वल कर देंगे। वो कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा, यहाँ पे 2 और 4 कभी इक्वल हो ही नहीं पाएगा, आप खुद ही तो जानते हो। क्लियर है क्या? तो इन बेसिक चीजों को आपको मतलब समझना चाहिए था अच्छे से, है ना। ये सब अगर समझ नहीं आता है तो क्या करें, बोलो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये दोनों इक्वेशन अगर सिमिलर है तो dx और dy का कॉफिशियंट इक्वेट करो, तो डी एक्स और डी वाई का कॉफिशियंट इक्वेट कर दिया आपने, है ना। कॉफिशियंट का रेशियो, दैट इज बेसिकली दे आर प्रोपोर्शनल, इसको ही तो प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। और उसको एक कांस्टेंट मान ली हमने म्यू। ठीक है, अच्छा अभी अगर मैं इस एक्सप्रेशन का बात करूं, है ना, मेरे को प्रूफ करना है क्या कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसीलिए देखो अभी यहाँ पे हम ना ये एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको तो ये लिखना मैंने ऑलरेडी पहले वाले पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी अपने इस चीज़ से डिवाइड किए, तो इस चीज़ से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे ये आया और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है ना, अच्छा अभी m जो है वो तो इस पैटर्न में है और n जो है ना, मतलब m dx, m को आप ऐसे लिख सकते हो ना y into mu f1 xy, है ना, और यहाँ पे f2 को आप लिख सकते हो x into mu। बात समझ में आया ना, क्लियर है? चलिए, है ना, तो y into mu जैसे यहाँ पे लिखोगे तो ये xy mu आएगा और यहाँ पे yx mu आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी xy mu, यहाँ पे भी yx mu, तो ये xy mu पूरा पूरा कॉमन चला गया और वो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद ये टर्म आया। ठीक है, इसको आपने ये लिख दिया, इसको आपने ये लिख दिया, ये दोनों कैसे आया मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को ये तो पूरा पूरा यहाँ पे भी xy का फंक्शन है, यहाँ पे भी xy का फंक्शन, यहाँ पे भी xy का फंक्शन, यहाँ पे भी xy का फंक्शन, तो ओवरऑल में तो ये xy का ही फंक्शन होगा ना, क्या दिक्कत है? अगर यहाँ पे xy स्क्वायर होता है, यहाँ पे xy क्यूब होता है, यहाँ पे x2y टू द पावर 4 होता है, यहाँ पे xy टू द पावर 5 होता है, तो यहाँ पे ये भी तो xy का फंक्शन, ये भी तो xy का फंक्शन, ये भी xy का फंक्शन, ये भी xy का फंक्शन, x इंटू y का फंक्शन। तो ये यहाँ से अगर पूरा xy को मैं हटा देता हूँ तो भी तो कोई वेरिएबल बच नहीं रहा है। तो ओवरऑल में ये जो बन गया इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन का रेशियो से, वो भी तो xy का फंक्शन ही बन गया ना दोस्त। तो ये पूरा पूरा f ऑफ xy में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे d ऑफ log ऑफ xy आ गया। तो ये तो पूरा पूरा परफेक्ट डिफरेंशियल बन चुका है। एज ये नहीं बना तो इसको मेरे को log ऑफ xy के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको e टू दी पावर में लिख लूंगा। और फिर मेरे को क्या लिखना है, बाहर d नहीं है तो d लगाने के लिए फिर इसको मैंने g लिख दिया, और एज बाहर d नहीं है तो d मैंने क्या किया, एक d लगाया और एक इंटीग्रेशन लगाया। अभी ये d और ये d तो बाहर चला गया और यहाँ पे देखो ये इंटीग्रल साइन बच गया। तो ये पूरा पूरा एक परफेक्ट डिफरेंशियल d ऑफ u, इसको एक नया फंक्शन नाम दे सकते हैं, है ना, u ऑफ x कॉमा y। तो ये पूरा पूरा एक परफेक्ट डिफरेंशियल में एक्सप्रेस हो गया। तो मेरे को क्या पता चला, जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था उसको 1 अपॉन mx माइनस ny से मल्टीप्लाई करने के बाद एग्जैक्ट बन गया, है ना। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो गया, और जो चीज़ परफेक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है वो एग्जैक्ट होता है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हो। बात समझ में आ रहा है ना, तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो रूल नंबर 3 और 4 को आप बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी भी किए होंगे और समझे भी होंगे उनका प्रूफ के साथ। ठीक है, तो अभी मैं 2 एग्जांपल आपको करा देता हूँ और उन एग्जांपल को करने के बाद आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि ये कैसे करेंगे। बात समझ में आए? चलिए, आगे बात करते दोस्त, देखते हैं, है ना। देखो नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है आपको, नंबर 1 में बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x² y इंटू डी वाई बराबर 0। एग्री करोगे? बहुत बढ़िया दोस्त, क्लियर। चलिए, तो ये है,
मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ से, है ना, अभी अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ध्यान से ज़रा देखिएगा आप, है ना। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही आप एक क्वेश्चन में लिख दूंगा, एक क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आप जानते हो। कंपेयरिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, वी हैव क्या होगा हमारे पास, एम इज इक्वल टू एंड एन बराबर, माइनस को मत भूलना, ठीक है। ठीक है, तो का जो भी फॉर्मेलिटी है पहले कीजिए, डेल एम बाई डेल वाई निकाली, कितना आएगा डेल एम बाई डेल वाई, वाई कॉन्स्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स कॉन्स्टेंट होगा, तो एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स इंटू टू वाई, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स वाई, एंड डेल एन बाई डेल एक्स कितना आ जाएगा, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है, वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो ये आ जाएगा आपका वाई अगर कॉन्स्टेंट होता है तो थ्री वाई बाहर आएगा और टू एक्स सिक्स एक्स वाई, ठीक है। तो एज ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप लिखोगे कि एज एम एम ऑफ एक्स वाई एंड एन ऑफ एक्स वाई आर टू होमोजीनियस फंक्शंस, ठीक है। अभी देखो, आप क्लास 12 में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का टेक्निक किए थे उसके मदद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, बट ऐसे भी बहुत सारे होमोजीनियस आ जाएगा जो उस टेक्निक से करना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट एग्जैक्ट से आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, तो वो भी आपके लिए एक फायदे का चीज हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए सीखना, ऐसा नहीं कि इसको होमोजीनियस से नहीं कर सकते, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो होमोजीनियस से लेंदी हो जाएगा। तो एज दिस एम एंड एन आर टू होमोजीनियस फंक्शंस एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन वन बिकम्स एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग विद द फैक्टर वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई, दैट इज वन डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स, कितना होगा एक्स स्क्वेयर वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस एन इंटू वाई, ठीक है। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा दोस्त, सॉल्व करके कितना आएगा, ये सॉल्व करके आएगा वन डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब वाई माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब वाई, ठीक है दोस्त। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या निकल करके आ गया, वन बाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। देयरफोर हम क्या बोल सकते हैं, द रिक्वायर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और उसको चेक नहीं करना पड़ेगा, आप जानते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये अपना आप एग्जैक्ट बन जाएगा, वन बाई एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं आपका 1 अपॉन वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे आपका मान लीजिए माइनस से पहले मल्टीप्लाई करते थे तो ये 3x² x² तो गया, तो 3y माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आप नंबर 2 बता दीजिए, क्लियर है। चलो तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे, देयर फॉर द सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश, तो m डैश कितना है 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स ट्रीटिंग y एज कॉन्स्टेंट प्लस दोज टर्म्स इन n डैश विच डज नॉट कंटेन x, तो यहाँ पे तो x है, यहाँ पे x नहीं है तो सिर्फ 3 बाई वाई आएगा बराबर कॉन्स्टेंट, तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई वाई तो कॉन्स्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, माइनस 2 बाहर आएगा और 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ln mod x आएगा प्लस 3 और 1 बाई उसका इंटीग्रेशन ln mod y, तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम रूल 3 के मदद से जो होमोजीनियस है, जो एग्जैक्ट नहीं है बट होमोजीनियस है, उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी बच्चा लोग मेरे को बहुत जगह पूछता है सर, मेरे को कुछ कुछ जगह पे तो डायरेक्टली दिख जाता है कि ये होमोजीनियस है, बट एग्जाम पे ना सर, एग्जाम पे अगर दिखता नहीं है होमोजीनियस है, मान लीजिए सर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं किया और दिखा नहीं किया होमोजीनियस है, तो ट्रायल कैसे करेंगे। तो मैं तो देखो दोस्त ऐसे ही करता हूँ, मैं पहले चेक करता हूँ कि एग्जैक्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं एकदम रूल 1 से स्टार्ट करता हूँ, है ना। रूल 1 चेक करके देखो, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स करके देखो, है ना, तो यहाँ पे लगभग 4x² आ जाएगा और माइनस 10xy आ जाएगा, और उसको जैसे ही मैं m से डिवाइड करूंगा, है ना, और n से डिवाइड करूंगा, m या n किसी से भी डिवाइड करो तो देखोगे ना कंप्लीटली फंक्शन ऑफ x आएगा और ना ही कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y आएगा, है ना। तो रूल 1 और रूल 2 दोनों फेल हो गया, दोनों फेल होने के बाद जब मैं तीसरा वाला रूल होमोजीनियस का याद आता है तब मेरे को क्लिक कर जाता है कि अरे यार ये तो होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे भी नेट डिग्री कितना है 2+1 3, यहाँ पे भी नेट डिग्री 2+1 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 2+1 3, है ना। तो सारे जगह पे m और n में ये भी पूरा पूरा होमोजीनियस फंक्शन, ये भी पूरा पूरा होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, ठीक है, तो इजीली ये टैकल हो जाएगा थ्रू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखना कि इन दोनों का m और n, इन दोनों का डिग्री भी सेम होना पड़ेगा, दोनों को होमोजीनियस फंक्शन तो होना पड़ेगा बट होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री होना पड़ेगा, अगर ऑफ सेम डिग्री नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्लियर है। चलो तो ये हो गया, आपको बता दिया गया, है ना। फोर्थ वाला देख लेते, चलो है ना, फोर्थ वाला देख लेते, इसको आप हटा दीजिए, फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। फोर्थ वाला मैं लिखने वाला नहीं, वाला फोर्थ वाला आप लिखिएगा यार। चलो तो आगे अगर बात करते तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई, कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू y dx प्लस एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई डी वाई बराबर 0। बात समझ में आए, अभी आपको क्लियरली दिखेगा, है ना। आप मैं आपको बस सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आप इसको m मान लीजिएगा, इसको n मान लीजिएगा, फिर चेक कीजिएगा डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन बाई डेल एक्स अनइक्वल आएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का कोशिश कीजिएगा, रूल 1, 2, 3 सब लगा के तीनों फेल हो जाएगा, चौथा ही काम करेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा, उतना मैं बोल के दे रहा हूँ ना, मेरे को पता है मैं बोल के दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा करके, बट आप देखिएगा लेकिन ईमानदारी से, नहीं देखेंगे तो फील नहीं आएगा, इनिशियली थोड़ा सा एनालिसिस नहीं करोगे तो फील नहीं आएगा टॉपिक का, ठीक है। तो अभी जब रूल 3 तक फेल हो गया, मान लो अभी मैंने चेक कर लिया आपके सामने और रूल 3 तक फेल हो गया मेरा, एक नॉन एग्जैक्ट आया, पहले डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स निकाला, दोनों अनइक्वल आया, और फिर तीनों रूल आपके सामने चेक किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तीनों रूल से नहीं निकला, तो मैं चौथा रूल के बारे में सोच रहा हूँ। चौथा रूल क्या है, क्या होना चाहिए चौथा रूल में, चौथा रूल में होना चाहिए वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। चौथा रूल में फंक्शन क्या था, एम आपको इस फॉर्मेट में चाहिए था, एम आपको इस फॉर्मेट में चाहिए था, और एन किस फॉर्मेट में चाहिए,
एन आपको यहाँ पे शायद एक आध एक्स मिस हो गया, ठीक है, एन आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, एन आपको इस फॉर्मेट में चाहिए, तो बिल्कुल ये फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, वाई इंटू दिस प्लस एस। अभी ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो यहां से अगर एक्स वाई को आप हटा देते हो तो कोई वेरिएबल बचता ही नहीं है, है ना, यहाँ पे अगर एक्स वाई होल स्क्वायर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, है ना, एक्स वाई होल स्क्वायर अगर होता यहाँ पे साइन एक्स वाई, है ना, प्लस मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई होल क्यूब कोसाइन ऑफ एक्स वाई टू द पावर 5, तो भी तो ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है ना, क्लियर है, क्योंकि एक्स वाई अगर हटा देते हैं यहाँ से तो कोई वेरिएबल बचता ही नहीं है, बट अगर यहाँ पे एक्स वाई होल स्क्वायर ना होकर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब हो जाता या फिर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हो जाता तो दिक्कत हो जाता ना, तब अगर मैं एक्स वाई होल स्क्वायर लिखता तो बाजू में एक वाई बच जाता, एक्स वाई को हटाने के बाद वाई बच जाता है, ठीक है, एक्स वाई का मतलब ये नहीं है कि एक्स और वाई को अलग अलग करके हटाना है, मतलब सारी जगह से एक्स को भी हटा दिए वाई को भी हटा दिए, इसका मतलब नहीं है, मैं फील करा रहा हूँ या फील करने का कोशिश करो ना, एक्स वाई जहाँ पे साथ साथ आएगा इस तरीके से प्रोडक्ट में साथ साथ आएगा, उस जगह को हटाने के बाद यहाँ पे एक वाई बच जाएगा ना, तो ये तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई नहीं हो पाएगा, ये तो देख के पता चल रहा है, ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना, होमोजीनियस या फिर ये वाला प्लेटफॉर्म जो है रूल 3 या रूल 4 का, वो तो देखने के साथ साथ ही पता चल जाता है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, या फिर इस फॉर्मेट में फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ठीक है, तो ये तो कंप्लीटली गिर रहा है, तो ये कंफर्म हो गया, तो हमको पता चल गया कि इस केस में आई एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/mx, है ना, तो mx कितना होगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये एक्स वाई होल स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई आ जाएगा और प्लस एक्स वाई, है ना, प्लस एक्स वाई कॉस ऑफ एक्स वाई आएगा माइनस एन वाई, तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस एन वाई जैसे ही करेंगे तो ये कुछ इस टाइप में आ जाएगा, बात समझ में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/2xy cos ऑफ एक्स वाई, ठीक है, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब इस पूरा पूरा एक्सप्रेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो नया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगा वो क्या होगा, इससे पूरा पूरा आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका 1/2 tan ऑफ एक्स वाई, है ना, प्लस जैसे आप cos ऑफ एक्स 1/xy cos ऑफ एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा, उधर वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2x, ठीक है, और बाहर dx आ जाएगा, मान लीजिए सही बात है dx आ जाएगा, अच्छा, एक y भी तो बच रहा है ना, तो यहाँ पे शायद y/2 आ जाएगा, ठीक है ना, एक y भी तो बच रहा है यहाँ पे, y/2 into tan xy आ जाएगा, और यहाँ से 1/2x वही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, लगभग xy कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 tan ऑफ xy और माइनस cos xy कैंसिल, xx कैंसिल, तो 1/2y dy, ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, कन्फर्म है, क्योंकि मैंने इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाला, आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों इक्वल आएगा, देखिएगा, ठीक है, तो अभी बस इसका सॉल्यूशन निकाल दीजिएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, m डैश इंटू dx, जहां पे y क्या है, कांस्टेंट है, प्लस दोस टर्म इन n विच डज नॉट कंटेन x, है ना, तो x किस, कौन सा टर्म x को कंटेन नहीं कर रहा है ना, ये वाला टर्म इक्वल टू कांस्टेंट, बात समझ में आया ना, क्लियर है, तो इसको अगर इंटीग्रेट करने जाऊं तो y/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और tan का इंटीग्रेशन आप लिख दीजिएगा अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे तो y कांस्टेंट होगा तो एक और y नीचे भी आएगा, और tan का इंटीग्रेशन मेरे को याद नहीं है ठीक, मान लीजिए शायद log sec x होता है, शायद log ऑफ sec ऑफ एक्स वाई, हाँ log sec x होगा, ठीक है, तो log sec x हो जाएगा, और यहाँ पे x और y में तो y कांस्टेंट होगा ना, तो 1/y बाहर आ जाएगा, और 1/2x का इंटीग्रेशन में तो 1/2 ln mod x आ जाएगा, और यहाँ पे 1/2 ln mod y इक्वल टू c, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, तो ये y कैंसिल हो गया, तो हाफ तो यहाँ से बाहर ही आ गया दोस्त, हाफ उधर चला जाएगा, तो ट्वाइस c हो जाएगा, है ना, तो इसको अगर log m प्लस log n, है ना, माइनस log c का अगर बात करूँ तब तो ये पूरा पूरा फॉर्मूला में ही आ गया, ये sec एक्स वाई इंटू एक्स हो गया, है ना, log m प्लस log n हो जाएगा log m n, और माइनस log p है तो ये y नीचे आ जाएगा, तो क्लियरली दिख रहा है, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो x इंटू sec ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई y बराबर ln के बेस में तो e होगा, तो e टू दी पावर c हो जाएगा, और उसी e टू दी पावर c को नया c डैश लिख सकता हूँ कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूलस रहेगा, अब इस मॉड्यूलस को हटा के भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हो
मॉड्यूलस हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा इधर, और प्लस माइनस सी डैश को नया कांस्टेंट बोल दो के दिस विल बी योर फाइनल सॉल्यूशन, है ना। आप यहाँ तक छोड़ो तो भी आपको फुल मार्क मिलेगा, आपको यहाँ तक छोड़ो तो भी आपको फुल मार्क मिलेगा। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है ना। तो चलो यार, मेरे ख्याल से मैंने सफिशियंट प्रॉब्लम आपको करा दिया, सफिशियंट प्रॉब्लम तो नहीं कराया बट थियरी डिस्कस कर लिया। आज के लिए तो टाइम समाप्त हो गया और समय नहीं मिलेगा हमें, है ना। अगले लेक्चर में हम रूल 5 पढ़ाएंगे, ठीक है। एक और लेक्चर लग जाएगा, मैं सोचा था 3 लेक्चर में हो जाएगा बट हुआ नहीं, एक और लेक्चर लगेगा आपको, है ना, इस फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज़ रूल नंबर 5। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रूल 4 तक आज एग्जांपल के साथ सब कुछ देख लिए। अगले दिन हम पहले रूल 5 पढ़ेंगे, रूल 5 के ऊपर बेस करके एक आध क्वेश्चन करेंगे और फिर 10-15 क्वेश्चन हम लिखेंगे यहाँ पे, 6-7 हम करेंगे और बाकी 6-7 आपके लिए होमवर्क देंगे पहले की तरह। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो जो भी समझाया गया दोस्त, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को रिलेट करने का कोशिश करना, फील करने का कोशिश करना, कोई डाउट होने से क्लास में जैसे भी करो, आप क्लास में करो, पूछो, मैसेज करके पूछो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, जैसे भी पूछना है पूछो, बट पढ़ लीजिएगा और ईमानदारी से एक एक पॉइंट समझ के पढ़ने का कोशिश किया कीजिएगा। अगर समझ नहीं आता है तो ज़रूर पूछिएगा, पूछ के उसको क्लियर करके फिर पढ़िएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका ड्यूटी है, जैसे आपको बोला जाता है अकॉर्डिंगली उसी फीलिंग के साथ आपको पढ़ना बनता है। क्लियर है, तो कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा और अकॉर्डिंगली पढ़ते रहिएगा। तो आज के लिए यहाँ तक हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, और जो भी डाउट्स है अकॉर्डिंगली पूछ लेना। अलविदा।